जय भोजपुरी रो आलोक सेगुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहां रउआ लोग के स्वागत बा आज के ताजा खबर में। रउआ लोग आज हम बतावे जा रहल बानी भोजपुरी से जुड़ल बहुत ही स्पेशल खबर जो कि आप लोग खातिर आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा। जी हां, आज के ताजा खबर के पहलका खबर ई बा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बा। जी हां, 21 जुलाई 2018 जो कि आज होके जा रहल बा मलेशिया में इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स। जी हां भैया, इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स जो कि आज मलेशिया में होके जा रहल बा। जी हां, आज मलेशिया में बाजी भोजपुरी भाषा के डंका जहां पे दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, अमर पाली दुबे या कही तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तमाम कलाकार ओजा पहुंच गए बारे और रात खानी आज धूम मचाई लोग। और वो लोग हम रात का ही बताएं कि बेस्ट एक्टर के अवार्ड के करा मिलल, बेस्ट सिंगर के अवार्ड के करा मिलल, तो के सारा रिपोर्ट हम रात खानी बताएं। आज के ताजा खबर के दूसरा खबर ई बाबरिया की आज दिल्ली में भी मची भोजपुरी इंडस्ट्रीज के धुन, भोजपुरी भाषा के धुन। काहे से कि आज दिल्ली में बा बड़ा ही स्पेशल और सबसे बड़ा स्टेज शो। जी हां भैया, जहां पे आप लोग के खेसारी लाल यादव, काजल लगवानी, अक्षरा सिंह, राखी सावंत और पूनम पांडे जैसे तमाम कलाकार जो कि आज दिल्ली में आए लोग या कहीं तो आ चुकल वाले। जी हाँ, कल ही रिपोर्ट मिलल कि खेसारी भैया कल पटना से अपन आ चुकल वाले, दिल्ली में पहुंच चुके वाले, काजल अगवानी जी पहुंच गए वाले, अक्षरा सिंह जी पहुंच गए, सब कोई पहुंच गए वालों तमाम कलाकार। और आज मयूर बिहार में जो कि स्टेज शो होके जा रहा बा, यदि आप लोग टिकट नहीं ले तो आप समझो नंबर देख रहे बानी, ए नंबर पर कॉल करके आप लोग टिकट ले सकता है। जी हाँ, आज दिल्ली में भी बड़ा ही जबरदस्त स्टेज शो बा, जोड़ा में आप लोग के 4 साल बाद खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के एक स्टेज पर वो लोग देखम। आज के ताजा खबर के तीसरा खबर ई बबरिया के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नई फिल्म जोन फिल्म के नाम बा संघर्ष, जेकर रिलीज डेट आउट हो गई बा। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि आप लोग के नजदीकी सिनेमा घर में 24 अगस्त से खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष लाग गए। जी हाँ, 24 अगस्त से जोना में आप लोग के मेहंदी लगा के रखना के पूरा टीम देखे के मिली, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी वाई फिल्म में। ये फिल्म के टीजर के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया बा, बहुत ज्यादा भोजपुरिया दर्शक द्वारा और टीजर के प्यार दुलार मिलल बा। यदि आप समय की देख ले तो एक बार आप लोग टीजर भी देख सकता नहीं और आप लोग के 24 अगस्त से नजदीकी सिनेमा घर में लाग जाये खेसारी लाल यादव के नई फिल्म संघर्ष। आज के ताजा खबर के चौथा खबर ई बा भैया कि जितना भी सुपरस्टार पवन सिंह जी के फैंस वालो उ लोग इंतजार करते हैं कि आखिर सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म लोहा पलवान कब रिलीज होगी। जी हां भैया, बहुत दिन से लोग लोहा पलवान के रिलीज डेट के इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग के सामने लोहा पलवान के रिलीज डेट आ गई बा। जी हां भैया, आप सब बता दी कि सुपरस्टार पवन सिंह की नई फिल्म लोहा पलवान जो कि 14 सितंबर 2018 से आप लोग के नजदीकी सिनेमाघर में लाग जाए। जी हाँ, आप लोग थोड़ा लंबा इंतजार करके पड़ी, पूरे अगस्त महीना इंतजार करके पड़ी, लेकिन रिलीज डेट फाइनल हो गई बा कि 14 सितंबर से आप लोग के नजदीकी सिनेमाघर में लाग जाए पवन सिंह की नई फिल्म लोहा पलवान। चौदह में आप लोग पवन सिंह को पुलिस वाले के रोल में दिखाई दिए, बहुत ही बढ़िया स्टोरी वाली फिल्म है। ये फिल्म के ट्रेलर के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया बा, जेकरा के भोजपुरिया दर्शक द्वारा बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिल रहा बा। जोना में पवन सिंह को नई हीरोइन के साथ एंट्री कर रहा बारे, उनका नाम बा प्यास पंडित। आए फिल्म में आप लोग पवन सिंह प्रभानिक करत भी नजर आई हन। आज के ताजा खबर के पांचवा खबर ई बबुआ कि जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव के नई फिल्म जो फिल्म के नाम बा घूंघट में घोटाला, जेकरा के 20 तारीख से रिलीज कर दिया गया बा। जी हां भैया, 20 तारीख से रिलीज हो गई बा घूंघट के घोटाला, जेकरा के भोजपुरिया दर्शक द्वारा बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिल रहा बा। जी हाँ, फिल्म में स्टोरी बड़ा ही मजेदार स्टोरी बा। जी हाँ, भूत के भी सीन आप लोग के देखे के मिली, जोना में आप लोग के प्रवेश लाल यादव और मणि भट्टाचार्य के मुख्य भूमिका में नजर आई लो। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बा, पब्लिक रिव्यू में सारा लोग फिल्म के जम के तारीफ कर रहा बा। यदि आप लोग फिल्म नहीं की देख ले तो आप लोग के नजदीकी सिनेमा घर में 20 तारीख से ही रिलीज कर दिया गया घूंघट में घोटाला, तो आप लोग यदि नहीं की देख ले तो अपना नजदीकी सिनेमा घर में जाके एक बार फिल्म के जरूर ही देखिए। आज के ताजा खबर के छुआ खबर ई बाबरिया की आप लोग बतावे जा रहा बन की जितना भी सुपरस्टार पवन सिंह जी के फैंस
पवन सिंह के नई फिल्म पलम्बुआ तोहरे खातिर के इंतजार करत रहन की 27 जुलाई से उनका लोग नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज हो जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा निराश करे वाली खबर आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से। कहे की आप सब बता दी भैया की पलम्बुआ तोहरे खातिर के रिलीज डेट बढ़ा दिया गया बा। जी हाँ भैया, 27 तारीख के पलम्बुआ तोहरे खातिर रिलीज ना हुई बल्कि अगस्त महीना में रिलीज कर जाये। अभी रिलीज डेट फाइनल लिखे भैया की अगस्त महीना में कोना तारीख के फिल्म के रिलीज कर लिए। बस इतना ये फिल्म के निर्देशक दिनेश यादव जी द्वारा बताओ गिल बा के फिल्म के 27 तारीख के रिलीज ना कर जाये बल्कि अगस्त महीना में रिलीज कर जाये। तो भैया लोग आप लोग के आज के ताजा खबर के रिपोर्ट भी लागल भैया कमेंट करके बताई, साथ साथ में वीडियो के लाइक करी और एक खबर के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। आप भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर ली और घंटी वाला बटन के दबा ली कि कोनो भी वीडियो हम डाली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।